वेलकम बैक। आज मैं आपको कुछ अलग बताऊंगी। मतलब मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस डाले हैं जहाँ पे मेरा जो प्रिंस है वो ऑरेंजेस खाता है, और कुछ कुछ पेरेंट्स को ना ये लगता है कि डाउट रहता है कि कौन से फ्रूट हमको उन्हें खिलाना चाहिए, कौन सी सब्जी उनको खिलानी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या हेल्दी होता है, क्या अनहेल्दी होता है। पर मैं आपको एक क्लियर बात बता देती हूँ, मेरे वो वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स जैसे आए थे कि ऑरेंजेस आर टॉक्सिक फॉर डॉग। ऐसा नहीं होता, ऑरेंज इज हेल्दी और उसमें विटामिन सी होता है और वो डॉग्स के लिए अच्छे होते हैं। पर कितने क्वांटिटी में आप डॉग्स को ऑरेंजेस खिला सकते हो और वो ज़रूर खाएंगे। अगर आपका पेट नहीं खा रहा है, आपके डॉग्स नहीं खा रहे हैं, तो इग्नोर कीजिए। पर मेरे पेरेंट्स को बहुत ही पसंद है ऑरेंजेस खाना। तो ऐसा क्या है, मतलब डाइजेशन में उनको तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। हम पेट्स को ऑरेंजेस खिला सकते हैं पर कम क्वांटिटी में। हम दिन में उनको 4 to 5 pieces उनको खिला सकते हैं ऑरेंजेस के। एप्पल वो खा सकते हैं, एप्पल की सीड्स नहीं खा सकते। और ब्रोकली जैसे होती है बेबी कॉर्न्स, उनको बॉईल करके हम उनको खिला सकते हैं। मेरे प्रिंस को ये बहुत पसंद है, वो हर टाइम पे मैं जब ब्रोकली और बेबी कॉर्न बॉईल करती हूँ तो खा लेता है। उसको पोटैटोज भी बहुत पसंद है, जैसे कि पोटैटोज में शुगर रहता है, पर इसके लिए हम उनको दिन में एक पोटैटो इतने साइज का हम उनको दे सकते हैं और वो डॉग्स के लिए हेल्दी रहता है, उससे ज़्यादा हम नहीं खिलाएंगे। तो मैं ऐसी चीज़ें प्रिंस को खिलाती हूँ और उसको बहुत पसंद आता है। ऑरेंजेस कुछ लोगों को पता नहीं था कि वो हेल्दी है अनहेल्दी है, तो मैंने आपको बता दिया है। और कुछ जो चीज़ें हैं जैसे बॉयल चिकन, बॉयल एग, ये तो आपको नॉर्मल पता ही रहेगा कि ये डॉग्स को खिला सकते हैं हम। और बाकी जो नई चीज़ें आपको नहीं खिलानी है वो कि चॉकलेट, ग्रेप्स, ऑनियन और जिंजर, गार्लिक हम उनको नहीं खिला सकते हैं और वो अनहेल्दी रहता है डॉग्स के लिए। और बिस्किट अगर आपको लाना है तो डॉग बिस्किट ही लाइएगा और दूसरे बिस्किट मत खिलाइए, क्योंकि दूसरे बिस्किट में शुगर रहता है, तो हम उनको नहीं खिला सकते। और आपको कभी भी डॉग्स को दूध नहीं देना है, क्योंकि दूध जो है ना वो उनके लिए नहीं है। वो हम पी सकते हैं पर डॉग्स को उनके जब तक वो छोटे बच्चे रहते हैं ना तब तक वो अपने माँ का दूध पी सकते हैं, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो उन्हें काऊ का या बकरी का मिल्क नहीं दे सकते, तो आपको वो नहीं देना है। ओके। और राइस की क्वांटिटी, मतलब राइस भी बोलते हैं कि राइस इज़ अनहेल्दी फॉर डॉग्स बिकॉज राइस से बाल झड़ते हैं, पर आप उनको लिमिटेड क्वांटिटी में दे सकते हो, रोज़ मत खिलाना। और रोटी भी आपको उनको कम खिलाना है, ज़्यादा मत खिलाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने प्रिंस को डॉग फूड ही इस्तेमाल करते हैं, कुछ और फूड नहीं देते हैं। तो आप अगर घर का खाना यूज़ कर रहे हो तो घर के खाने में ये नोट कीजिए कि जो भी चीज़ हो ज़्यादा क्वांटिटी में उनको नहीं देना है। और हाँ, जो मैंने कमेंट्स देखी थी कि ऑरेंजेस से उनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा जो प्रिंस है ना, उनको ऑरेंजेस देने के बाद वो ज़्यादा ही खुश हो जाता है, और उसकी जो पाचन शक्ति होती है ना, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है, उसको कुछ दर्द नहीं होता इसके लिए। तो या देखिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर इसके अलावा भी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Okay, thank you, bye.